और क्या रास्ता हो सकता है? उसके लीग ग्रुप से सारे संबंध खत्म कर दो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। शिकार हुई है? कौन साबित कर सकता है? क्या तुम मेरी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद कर दोगे? दादाजी, दादाजी, जल्दी मेडिसिन ले आओ। ये लीजिए आपकी मेडिसिन। दादाजी आप ठीक हैं? दादाजी, पानी। अब ठीक लग रहा है आपको? सुनो, जल्दी से उसे प्रोजेक्ट लीड के पद से हटाओ। लेकिन ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। तुम मुझसे नफरत करते हो क्या? तुम मेरे विरुद्ध क्यों जाना चाहते हो? निकल जाओ। दादाजी, दादाजी आप नाराज मत होइए, तबीयत और खराब हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं फेम शो पर फॉलो अप ले लूंगी। गो अहेड, गो अहेड। इनका ख्याल रखिएगा। कोच खुद पर काबू क्यों नहीं रखते? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है, पर तुम किस करोगी तो नहीं होगा। बॉक्सिंग जिम इतना भी बुरा नहीं है। यहीं बैठो। दे रही हो गया बस? अभी नहीं हुआ, एक बार फिर। तुम मेरा गुस्सा शांत करने में मदद करने वाले थे। ठीक है, और जोर से मारो, और तेज। कुछ खाया नहीं है क्या? दम लगाओ। क्या हो गया? मेरी वजह से तुम पर बहुत प्रेशर होगा ना? लगता है आप भी ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ रहे हो। इंटरनेट पे लोग जो बातें करते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ऑनलाइन की नहीं है, लीग ग्रुप और फेम शो दोनों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। खासकर नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होने से पहले ही रिजेक्ट हो गए। मैं सोच रही थी कि उनकी राय बदलने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। सुई, मैं तुम्हें पहले अच्छे से समझ नहीं पाया। तुम अपने काम को कितने प्यार और मजे के साथ करती हो, और तो और तुमने फेम शो के लिए कितना कुछ किया है। क्योंकि सब साथ मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि झगड़े के वक्त सब मीन हो जाते हैं, लेकिन हमारे दिल के साथ सब जुड़े हुए हैं। सुई, लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन तुम अपना काम कभी मत छोड़ना। तुम ये कर सकती हो। हेलो सुई, ऑफिस आते वक्त ध्यान रखिएगा। मैं नहीं जानती ये सब कौन कर रहा है, पर नीचे कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। आ गए, आ गए। तुम अभी भी यहाँ? यहाँ कैसे हो? अभी तक आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो? शांत हो जाइए। आपकी वजह से। शांत हो जाइए, आपके सवालों का जवाब मैं दूंगी। आप सैटिस्फाइड है? हमें शांति कैसे मिलेगी? जरा ठीक से बताओ। मैं आज फेम शो के अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। नहीं नहीं, रुकिए। सुनो, हमारी बात सुनो। तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं, बताइए हमें। आप बताइए, रुकिए, सुनिए। सुई, आप आ गई? क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों? प्रेसिडेंट जू आ गए हैं, इसके लिए जल्दी में हूँ। मैं वापस आ गया हूँ, उनसे फॉलो अप करते रहो। प्रेसिडेंट चू, आ जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। तुम इतनी इंपल्सिव क्यों थी? मैं इस मसले को हल करने के लिए वापस आया हूं। अच्छा, तो अभी तक आप यहां क्यों नहीं थे?
तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर साइन कर देंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने सबके सामने अनाउंस कर दिया है। मैंने ली ग्रुप के प्रेशर को कम कर दिया है। तुम अपने गुस्से को काबू में क्यों नहीं रख पाती हो? मैं अब किसी को और परेशान नहीं करना चाहती, और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। रेजिग्नेशन के बाद क्या प्लान है? एक दो दिन की छुट्टी लेकर फिर आपके छोड़े हुए क्लूज के ऊपर जब टाइम मिलेगा तब इन्वेस्टिगेट कर दूंगी मैं। सुई, खुद को बिना मेकअप के एक्सपोज करने के बाद मुझे डर है कि कई लोगों ने मुशियाओ को पहचान न लिया हो, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी जो कुछ भी हो। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर सुई, क्या जाना जरूरी है? मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। पर हमारा नया प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ ना? ली ग्रुप की मैनेजर लियो इंचार्ज होगी, और सभी लोग तो हैं यहाँ पर, किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। सिस्टर सुई, ट्रेंड कर रही हो, कितनी फीमेल सेलिब्रिटीज तुमसे जल रही है। फेम शो के डायरेक्टर के अमीर होने का ख्वाब हुआ तबाह। ली ने गुजारी रोमांटिक रात। टॉपिक बदलने के लिए पहले रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप करो, फिर नए टॉपिक का इंतजार करो। धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। इंटरनेशनल मैनेजमेंट काफी बुरी हालत में है। तुम अच्छी हालत में हो ना? मैं अच्छी हालत में ही रहूंगी, सब आगे बढ़ रहे हैं और मेरे पास वाइन और यंग यंग है, तो मैं काम के बारे में क्यों सोचूं? डेव पेनिंग बहुत बुरा है, हमेशा गलत काम करता है और उसे एंजॉय भी करता है। यांग यांग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना गुस्सा पी गई हूँ? तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास इसका उपाय है, हम इसी तरह सभ्य बने रहेंगे। मेरी फेवरेट यांग यांग। ओह, मुझे पता है, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्विमिंग करने आया हूँ। इन कपड़ों में स्विमिंग करोगे? तुमने रिजाइन क्यों किया? मैंने रिजाइन क्यों किया? क्या लीग ग्रुप ऐसा नहीं चाहता था? रेजिग्नेशन इतनी बड़ी बात है, ऐसा करने से पहले तुम्हें मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। अगर मैं रिजाइन नहीं करती तो क्या ली ग्रुप के पास कोई बेहतर ऑप्शन था क्या? लोग कुछ दिन बाद ये भी भूल जाएंगे। हमारा ली ग्रुप स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं खुद को सैक्रिफाइस नहीं कर रही हूँ, मुझे ये ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लीजा शाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से सुई को परेशान करने आए हो? हम बात कर रहे हैं, तुम हर जगह कहाँ से आ जाती हो? कहाँ थे जब तुम्हारे दादाजी उसे परेशान कर रहे थे? तुम सिर्फ दिखावा करते हो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जिया शांग की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। इसे साइन करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं पार्टी के एज मेथड से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ली ग्रुप के स्टॉक इतने कभी नीचे नहीं गिरे, उसके ओरिजिन पर कभी ऐसा असर नहीं आया। तुमने इसकी शुरुआत की है, तुम ही इसका अंत करोगी। तुम जिया शांग को और परेशान नहीं करोगी। तुम्हारी कोई मांग है तो बेझिझक बताओ। आपकी नजरों में चेयरमैन जिया शाह की जिंदगी भी एक बार्गेन चिप है, सही कह रही हो ना? मेरी नजरों में तुम एक समझदार लड़की हो, आई होप तुम मुझे निराश नहीं करोगी।
मुझे मालूम नहीं था दादाजी तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं। हाँ नहीं तो वो एक झटके में नहीं निकल देते है ना। समझ सकता हूं तुम्हें, काफी मुश्किल हुई होगी, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तुम तो टैग निकालना ही भूल गए। मैं तुम्हें एक बात ऑनेस्टली कहूं, तुम वाकई इस कपड़ों में जेंग ही जैसे लगते हो। लगता है तुम्हें फ्लर्टी लड़के बहुत पसंद आते हैं, मैं भी वैसा बनने की कोशिश करूंगा। यहां एक्स एक्स जे। ये क्या है? एक छोटा सा चिकन। मैं तुम्हें छोटा चिकन दिखता हूं? तुम्हें अगर छोटे चिकन चाहिए तो बताओ। तुम्हारे साथ कौन करेगा? अगर मेरे साथ नहीं तो फिर किसके साथ? लीजिए शाम, फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा दोबारा कभी मत करना। रहने दो, दरवाजे तक छोड़ने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, जरूरत है। कुछ कदम पे ही तो है, इसकी क्या जरूरत? फिर भी तुम्हें चल के तो जाना ही पड़ेगा ना। प्रेसिडेंटली, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो मेरा मन नहीं करेगा जाने का। ठीक है तो फिर मत जाओ। तुम्हारा गला खराब है तो मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। जरूरत नहीं है, तुम हमेशा इतने खाली रहते हो क्या? आपको मेरी इतनी चिंता है साले साहब? मैं नहीं हूँ। देखो मान नहीं रहा है। दीदी मेरे साथ घर चलो। बस करो तुम दोनों, जब देखो तब झगड़ते रहते हो। रुक जाओ, मैं छोड़ने चलूंगा। तुम छोड़ चुके हो। इतना काफी नहीं है। बाय बाय। दीदी मैंने जो बोला वो आपको बुरा तो नहीं लगा? ऑफ कोर्स नहीं लगा, तुम कुछ भी सोचते हो। वैसे मुझे लगता है उसे भी थोड़ा दर्द होना चाहिए। दीदी मैंने दरअसल मैंने काफी समय के बाद आपको इतना खुश देखा है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। हाँ मैं भी, आखिर हम लोग एक फैमिली जो है। मैं ऐसे ही आपके साथ हमेशा रहूंगा। जू यूए का रिसर्च प्रोजेक्ट रिजेक्ट क्यों हुआ तुम्हें वजह पता चली? चला है कि साइंटिफिक रिसर्च और मार्केट ट्रेंड एक दिशा में नहीं थे और बताए गए फंड्स बहुत ज्यादा थे। जू यूए को इस बारे में मालूम होगा। हेलो, मैं जू यू से मिलना चाहता हूँ। मिस्टर जू यू, उन्हें उनकी फैमिली कल लेकर चली गई। उन्हें ले गई? जी हाँ, उनकी फैमिली ने कहा कि उन्हें दूसरे शहर में बेटर रिसोर्सेस मिल गए हैं। तो मेरे लिए ढेर ढूंढ रहे हो, क्या हुआ? तुम मुझसे बस एक दिन बड़ी हो, मेरी बड़ी बहन बनने का नाटक मत किया करो। और क्या, ये तो एक एडवांटेज है तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है कि मुझे सालविस की एग के साथ पसंद है? चैंग ही कहाँ है? मैं वो टाइम मिस करती हूँ जब हम अब्रॉड थे और मैं तुम दोनों का ख्याल रखती थी। इसी बारे में तुमसे बात करनी थी, बस जेंग ही से मत कहना। क्या हुआ? वो चला गया? जी हाँ, उनकी फैमिली कल आई थी और कहा कि उन्हें दूसरे शहर में बेहतर हॉस्पिटल मिल गया है।
हाल ही में उनकी किसी से मुलाकात हुई थी? पिछले हफ्ते हाई प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट को चेक करने आई थी। टीम को डायरेक्टर ने लीड किया था। तुम्हारा मतलब है कि जुयुन जाने से पहले जेंगी से मिले थे? इससे ये साबित नहीं होता कि जेंगी का इससे कोई संबंध है। पर मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। तुम सुई को बताओगे? ये उसके डैड से रिलेटेड है, इसलिए मैं पूरी छानबीन किए बिना उससे बात नहीं करूंगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया नहीं है। आखिरकार वो अपने पिता की वजह से वापस आई। मुझे लगता है कि लोग अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्टिगेशन करूंगी। रही थी। वो मैं बाइक चला रही मुझे थी। खबर मिली है कि जूही ओशन सिटी छोड़ चुका है। मेरे सारे के सारे क्लोजअप छूट रहे हैं। जेंगी के सेफ में भी कुछ भी नहीं मिला। चोमो भी अब कुछ भी नहीं बता सकता है। पर लीजा शांग तो है ना? तुम दोनों साथ हो, सीधा उससे पूछ लो ना। मैं उस पर और ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती। तो आप क्या करें? जब तक चारा नजर आता है, मछली ऊपर आने की कोशिश करती है। आया? कौन है तुम? यहां तुम यहां क्यों आई हो? नहीं रुको, क्या ढूंढ रही हो तुम? मुझे तुम्हारा बेडरूम देखना है। ये नहीं हो सकता। जी आपसे मिलने आई है। सुनो, मुझे फ्रूट्स खाना है। ये लो बहन, फ्रूट्स खाओ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे चेरीज पसंद है? मुझे नहीं पता था। क्या हो? तुम लोग बात करो। आओ ना। तुम लोग बात करो। बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों, मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे लोग एक काम करें, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। फिर तो तुम्हें एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल, आखिर तुम्हारा सारा काम अब मुझे जो करना पड़ रहा है। लड़कों के मामले में अगर वो मेरा नहीं है तो मैं उसके लिए नहीं लड़ती, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अचानक से तुम्हारी तारीफ कैसे करूं? शुरुआत से मुझे सभी पसंद करते आए हैं, लेकिन डायरेक्टर बनना सच में कमाल का एक्सपीरियंस था। अब मैं फेम शो और ली ग्रुप दोनों की इंचार्ज हूँ। तुम्हारे बारे में अच्छा बोला हुआ वापस लेती हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, तुम वापस आ सकती हो। मेरा आइडिया ध्यान से सुनो। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू प्रेसिडेंट टू। चलिए अंदर चलो। हाँ, चलो।
प्लीज इस तरफ चलो। श्याशन मुझे पानी पीना है। मैं लेकर आता हूं। थैंक यू। सब ठीक? चिंता मत करो, ऐसे समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नर्वस हो? नहीं तो मैं कैसे नर्वस हो सकती हूँ। हेलो सर। सबसे पहले तो मीडिया और दोस्तों का शुक्रिया कि वो यहाँ पर आए। तो आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि ली ग्रुप की सीक्रेट सीरीज को आज रिलीज किया जाएगा। और अब मैं सीक्रेट सीरीज की एंडोर्सर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी जो है ली शियाटियन। हेलो एवरीवन, मैं ली शियाटियन हूँ। मैं इस कंपनी की सीक्रेट सीरीज की एंडोर्सर होने पर आप सबकी आभारी हूँ। आज ये नई सीरीज की लॉन्च कॉन्फ्रेंस हम सबके लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है। आइए मिलकर इसका स्वागत करते हैं। थैंक यू टीचर ली शियाटियन। और अब हमारे मॉडल्स प्रोडक्ट्स लेकर आने वाले हैं। हमारे सीक्रेट सीरीज का मुख्य फीचर नवीनीकरण है। और अब आइए मिलकर वेलकम करते हैं डी ग्रुप के प्रेसिडेंट ली जिया शांका। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ली ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए। लॉन्च कॉन्फ्रेंस एंड होने पर मैं किसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने केवल इस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां नहीं की हैं, बल्कि ऐसा प्रेशर झेला है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं बात कर रहा हूं हमारे फेम शो की पिछली डायरेक्टर की, मिस सू यी। की बात कर रहे हैं? जी हां, उन्हीं की वजह से यह लॉन्च कॉन्फ्रेंस सक्सेस रही। प्रेसिडेंटली ये नहीं जानते इन्होंने जिनका शुक्रिया अदा किया वो देखो वो यहाँ पर है। हाँ वो यहीं पर है हमारे बीच। क्या बात है? अरे यहाँ क्या कर रही है? कहाँ कहाँ है? अब तुम किस मुंह से यहाँ आई हो? ऐसा पता चला है कि फेम शो और ली ग्रुप ने मिलकर तुम्हें निकाल दिया है। क्या कहना चाहोगे इस पर? हो गया तुम लोगों का? चलो चलो क्लिक करते हैं। आ जाओ। देखो ये वही है। मुझे भी फोटोज लेना बंद करो। रुको बस करो यहाँ ये क्या कर रही है? अच्छा तो तुम अब यहाँ से जा रही हो? आ जाओ उनके पीछे चलते हैं। आ जाओ सब लोग चलो। तुम्हें जाके दो ऊपर जा रहे हैं। आप सबका इतनी फिक्र करने के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन्हें सही भी समझती हूँ। अपनी सच्चाई का सामना करने वाला एटीट्यूड हम सबको लाइफ में रखना चाहिए। सच है। ये निशान
ये मेरा सीक्रेट है, लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि यह मेरी कई विशेषताओं में से एक है। यही हिम्मत और आत्मविश्वास ली ग्रुप के सीक्रेट सीरीज के नए प्रोडक्ट्स भी सब तक पहुँचाते हैं। हमने सीक्रेट सीरीज की इंस्पिरेशन डैंडेलियंस से ली है। डैंडेलियंस का मतलब होता है एक होने का इंतजार। वाह! हमारी सीक्रेट सीरीज का ये एक बड़ा सीक्रेट है। रुको, रुकिए रुकिए, अरे रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए हमारी बात, सुनिए। हम कब एक होंगे? तुम्हारे सपनों में। ये हमारी सीक्रेट सीरीज का एक बड़ा सीक्रेट है। चेयरमैन ली, चेयरमैन ली। क्या तुम्हें मानी ने पहले ही बता दिया था? क्या बता दिया था? सुई ने भी वही सोचा जो मैंने सोचा था। लॉन्च के दौरान वो अपना मेकअप हटाना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि क्या लोग मूजाओ को पहचानते हैं या नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो ये चाहती थी? वो ये बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो जो वो चाहती है वही होगा। संभव ली ग्रुप में कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं तुम सुई की हिफाजत करो, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। नीचा शंग नहीं जानता हम यहाँ है, हम बाद में बात करेंगे, समझे? तो तुम नाटक कर रहे थे, इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। इसलिए हमेशा याद रखना कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ली ग्रुप के साथ दोबारा काम करना चाहोगी? तुम हंस क्यों रही हो? चलो हॉस्पिटल जाना है।时间把岁月追赶一场梦，从此变得行色匆匆，都还在向前走，彼此却没有了肩并着肩的温柔。也不是所有联络都失落，不愿